तो भाई लोग स्वागत है का मेरे और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में रुकने वाला व्हाट इफ की एपिसोड 2 का, जिसमें टचाला की स्टोरी दिखाई गई है, मतलब टचाला वाले स्टार लॉर्ड की स्टोरी दिखाई गई है। तो बिना अपनी टीम से ही मार खाए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो व्हाट इफ के हर एक एपिसोड में अब तक तो कोई भी ऐसा मल्टीवर्स का झंझट देखने को नहीं मिला, क्योंकि हर एक जगह पे नेक्सस इवेंट है जिसके कारण कुछ ना कुछ बदलता है, और टीवी का कोई भी एक्सीडेंट नहीं है तो सब कुछ बदलना तो सही ही होता है। तो इन सभी में जो कुछ भी नेक्सस इवेंट हो रहे हैं ना, उनके कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो बिल्कुल ही झेल रहे और बिल्कुल ही अलग है। मल्टीवर्स क्यों नहीं है पता नहीं, लेकिन बाद में कनेक्शन आता है तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाला है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी देखने को मिल रहा है उसे ही पता चल रहा है कि हर एक एपिसोड की अपने आप ही अलग जगह है और इन सभी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब अलग ही जगह थी तो एपिसोड में कुछ ना कुछ तो अलग है और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली नेक्सस इवेंट है। तो इस वाले एपिसोड में अपना स्टार लॉर्ड है ना, उसे दुनिया को देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है, जिसके कारण वो एक जगह से ऐसे गायब हो जाता है अपने घर से, और बाद में उसे युंडू वाले लोग पता नहीं कहाँ से कैसे पकड़ के ले जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो तो स्टार लॉर्ड नहीं है, अपना लौंडा नहीं है, आपने गलती कर दी, अपने पड़ोसी का लौंडा लाया है। तो इसके बाद जो कुछ भी होता है ना, वो बिल्कुल भी ऑसम है। तो इसके बाद वाला फंडा बिल्कुल ही वो गार्डियंस वाला है, लेकिन इस बार उन्हें गार्डियंस नहीं बुलाते, उन्हें रेवेंजर्स बुलाते हैं। हाँ, रेवेंजर्स, एवेंजर्स, रेवेंजर्स, पता नहीं क्या है। और स्टार लॉर्ड को अपनी अलग ही पहचान मिल रही है, पता नहीं पहले स्टार लॉर्ड बुलाते नहीं थे, स्टार वाले कुछ भी बुलाते थे, लेकिन आप सभी के सभी उसे पहचान रहे हैं, और अपना डैक्स है ना उसके साथ सेल्फी खींच रहा है। कैसे स्टार लॉर्ड की इतनी ज़्यादा इज्जत कैसे? और तो वो डैक्स को सिर्फ एक ही दो ही डायलॉग है, बाद में वो पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाता है। और अपना टचाला इसके कहानी जी के पे घमोरा का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, और रॉकेट भी नहीं है, रॉकेट की कहाँ रॉकेट कहाँ गायब हो गया पता नहीं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी, जब ये लोग कलेक्टर के पास जाते हैं, उनके साथ कौन आता है आप सभी को पता चलेगा तो आप बहुत ज़्यादा हंसोगे, क्योंकि उनके साथ आता है अपना चुटकीबाज, मतलब थाइनोस। चुटकी हर जगह पे बचानी है इसको, लेकिन एक पता नहीं इतना अच्छा कैसे बन जाता है टचाला के एक दो शब्दों में आके। और थाइनोस साहब के साथ जो कुछ भी लोग काम कर रहे थे, सब के सब अडप्टेड थे, वो सभी के सब भी कलेक्टर के पास है, और इनके बीच में जो कुछ भी बैटल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फनी है, क्योंकि थाइनोस जिसने इन सब पे ऊपर कंट्रोल रखा था, वही इन सब से मार खाता है, जिसके कारण ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और एंडिंग में दिखाया गया है कि अपने स्टार लॉर्ड भैया, मतलब अपने पीटर स्क्विल, अलग ही दुनिया में है, अपने अपने म्यूजिक वाले, और एक जगह पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि उस जगह पे उसके पिता, हाँ वही लसन वाले पिता, उस जगह पे पता नहीं कैसे ही पहुँच जाते। मज़ा आ जाता है उस सीन्स को देख के, क्योंकि अब पता नहीं स्टार लॉर्ड के पास गार्डियंस नहीं है, मतलब रेवेंजर्स नहीं है, तो क्या करेगा आगे वाले एपिसोड में, शायद रेवेंजर्स उसका साथ दे और आगे वाले एपिसोड की कहानी स्टार लॉर्ड के ऊपर हो, या फिर स्टार लॉर्ड को ही मारा जाए। हाँ, वो टचाला वाला स्टार लॉर्ड नहीं है, वो अपना पीटर क्विल वाला पुराना सस्ता बहुत ही कॉमेडी वाला स्टार लॉर्ड, और थोड़ी बहुत कॉमेडी है, और इस वाले एपिसोड में थोड़ी बहुत कॉमेडी है। थाइनोस को देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, और अपना स्टार लॉर्ड भैया वापस घर पे ही जाते हैं, ये देख के मजा आ जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना है। अगर आपने एपिसोड देखा है तो आपको कैसा लगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाद वाला घंटा है ना उसे ऑल पर कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।